खरगोन शहर में टाउन हॉल के सामने बुधवार दोपहर दो बाइकों की टक्कर हो गई। उसके बाद बाइक सवार दो युवकों की सामूहिक पिटाई से तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। पिटाई से युवक गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मामले को लेकर अफवाहों का दौर शुरू होने से एसपी कलेक्टर ने खुद पूरे मामले को संज्ञान में लिया और अस्पताल का दौरा किया। घायलों के हाल जाने एसपी ने बताया कि युवकों की पिटाई के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। करीब आधा घंटे पहले बस स्टैंड पे एक साधारण सा एक्सीडेंट का मामला हुआ है। एक्सीडेंट में भी गाड़ी टकराई नहीं है, रोड रेज का मामला है। दोनों जो एक्सीडेंट से संबंधित पक्ष थे उन्हें विवाद हुआ। आसपास के जो ठेले वाले थे उन्होंने आगे आके उसमें मारपीट शुरू की है। उसमें मारपीट की घटना हुई है, उसमें जो सब्सिक्वेंट रिएक्शन हुआ उसमें घबरा गया है लड़का। इमीडिएटली वहाँ से उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं, उसके डॉक्टरों ने बातचीत की, उसकी कंडीशन ठीक है। इन लोगों ने मारपीट की है, उसमें लोग जो FIR अस्पताल में ही करा रहे हैं और उनको चिन्हित कर रहे हैं। सर वहाँ के अलावा बताया जा रहा है अस्पताल में भी कुछ एकदम करने की कोशिश की गई है? नहीं, अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही अस्पताल में खड़ा हुआ हूँ। सिंपल सी एक्सीडेंट ही घटना है, एक्सीडेंट की घटना के बाद जिन लोगों ने आसपास के ठेले वालों को मारपीट की है उन्हें FIR कर रहे हैं। FIR करने के बाद गिरफ्तारी करेंगे, किसी प्रकार का इसमें भ्रम या कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। यही घटना है और उन बच्चों के साथ उनके घरवाले ऑलरेडी यहाँ उपस्थित हैं, तो सारी स्थिति स्पष्ट है। वीडियो फुटेज के आधार पर उनको गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।